अक्षय कुमार के साथ फिल्म जानी दुश्मन और सलमान खान के साथ प्रेम रतन धन पायो में नजर आने वाले मशहूर अभिनेता अरमान कोहली, जो कि एक साल पहले ड्रग्स मामले में अरेस्ट हो गए थे। बता दें कि अरमान कोहली को एनसीबी ने एक रेड के दौरान अरेस्ट किया था और इस दौरान अरमान कोहली के घर से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसके बाद से ही आज तक अरमान कोहली जेल में हैं। हालांकि अरमान कोहली ने इसके बाद कई बार अपनी बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन अब तक उनकी कोई भी बेल मंजूर नहीं की गई थी। लेकिन अब हाल ही में अरमान कोहली एक साल बाद जेल से अपनी सजा काट कर आए हैं और अब देखने में इनकी हालत ऐसी हो गई है कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। इस वीडियो में इनकी हालत को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इस दौरान अरमान कोहली ने कुछ खास खाना नहीं खाया है, या फिर यूं कहें कि इन्हें जेल का खाना हजम ही नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अरमान कोहली एक टाइम पर अपने शॉर्ट हेयर में नजर आते थे, लेकिन जेल में उन्होंने अपने बाल काफ़ी बढ़ा लिए हैं। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अरमान कोहली का कोई अपना खास आदमी उन्हें जेल से निकलते ही रिसीव करने आया है, जिनकी खुशी अरमान कोहली के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते 2 सालों में एनसीबी ने बॉलीवुड के कई स्टार्स को ड्रग्स मामले में धरा है और अरमान कोहली भी उन्हीं में से एक हैं। अगर एनसीबी की माने तो उनका कहना है कि अरमान कोहली ना सिर्फ बड़ी मात्रा में ड्रग्स लिया करते थे, बल्कि लोगों को ड्रग्स सप्लाई भी किया करते थे। वेल दोस्तों, अरमान कोहली पर एनसीबी द्वारा लगाए गए इन आरोपों में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है, अपनी राय आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। साथ ही ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना।